कोरोना संक्रमितों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने शुक्रवार को चरगावा स्थित कोरोना टेस्टिंग सेंटर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान CDO इंद्रजीत सिंह सहित स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान मंडलायुक्त ने कोरोना टेस्टिंग सेंटर पर काउंटर को बढ़ाए जाने के निर्देश दिए और कहा कि सेंटर पर टेस्टिंग कराने वाले लोगों के लिए मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाए, इसके लिए टेंट लगाया जाए और शुद्ध पेयजल की भी व्यवस्था की जाए जिससे इन्हें कोई दिक्कत न होने पाए। इस संबंध में मंडलायुक्त ने कहा कि टेस्टिंग की क्षमता बढ़ाई जा रही है और लगातार लोगों से अपील किया जा रहा है कि अगर आपको कोई भी संक्रमण का लक्षण नजर आए तो कोरोना का जांच अवश्य कराएं। विकास खंड चरगावा स्थित CHC PHC पर 24 घंटा कोरोना वायरस के टेस्टिंग की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा मंडलायुक्त ने बताया कि शासन के निर्देश पर रविवार को साप्ताहिक बंदी करके पूरे क्षेत्र को सैनिटाइजर कराया जाएगा जिससे कि कोरोना वायरस संक्रमण से लोगों को निजात मिल सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने कहा, व्हाट्सएप नंबर ले लो सर, मुंह बंद करिए और हमारे तरफ आइए। हल्का था की प्रॉब्लम्स को भी देखेंगे भाई, इधर भी घुमा रहे हैं। आप पूछ रहे हैं, मैं आपको बता रही हूं। डॉक्टर साहब ये बताएं सर, आपके कितने LTE है? 5 LTE हैं सर। 5 LTE हैं, 5 LTE टेस्ट कर रहे हैं। ये 5 LTE को टेस्ट कर रहे हैं किस टाइम से किस टाइम तक? सही नहीं, आप शिफ्ट में लगाए और फिर सेकेंड से टोटल 4 हैं। तो बेसिकली कल आप आए उसके बाद सेकेंड का आपको क्या करना चाहिए डॉक्टर साहब? आपको सुबह रखना चाहिए, क्या 3 काउंटर नहीं बोल सकते? नहीं नहीं, आप सुनिए, आप रात को जो 1 रखते हैं उसका क्या फायदा? आप किस समय पीक भीड़ ज़्यादा है, पीक सीजन में 3 जगह खोल दीजिए, वो 3 करें उसके बाद 2 करें। बोला था 8 बजे से करने के लिए, डॉक्टर 9 बजे से कल सुबह करा दी थी। आप सुबह वाले 8 लगा लिया, सुबह 3 लगा दीजिए, फिर 2 लगा दीजिए, फिर 1 लगा दीजिए। आर्टिफिशियल कहाँ लिया? ठीक है ना, तीन के साथ आप जो डाटा एंट्री करेंगे, डाटा एंट्री के लोग कितने आपके पास? डाटा एंट्री तो बहुत है, वो डाटा एंट्री कहाँ कर रहे हैं? अच्छा ये बताइए, OPD रोकने से आपका यहाँ क्या फ़ायदा मिलेगा? मैन पावर और लगा पाएंगे आप? नहीं, वो किस चीज़ में इसी वजह से लगा कि थोड़ा फिटिंग करानी पड़ेगी, कहने से नहीं हो पाएगी। कुछ नहीं हो यार, कुछ लगा दें, थोड़ी पानी वानी की व्यवस्था करा दें जिससे कि लोग जो खड़े हैं उनको पीने का पानी तो मिले कम से कम। वो ठीक है, वो कह दिया मैंने, वही मैंने वही चीज़ तो कराइए आप। देखिए आप जो आदमी आ करके आ रहा हूँ। देखिए जैसा कि आपको जानते हैं कि कोरोना का जो इस बार का संक्रमण है वो काफ़ी तीव्र गति से फैल रहा है और उसका कुप्रभाव हमारे गोरखपुर जनपद में भी है। प्रयास ये है कि इसीलिए हम लोग जितनी अर्बन PSC हैं हम लोग खुद जाके देख रहे हैं कि वहाँ पर क्या व्यवस्थाएँ हैं, क्या प्रॉब्लम हो रही है और प्रयास ये रहेगा कि इन व्यवस्थाओं को हम ठीक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम टेस्ट करें, टेस्ट करके उनके आसपास के जो लोग हैं उनको ट्रेस किया जाए और उनको ट्रेस करके हम ट्रीट करें।
कुछ लोगों को L3 की जरूरत पड़ सकती है, कुछ लोगों की L2 की जरूरत पड़ सकती है और कुछ लोग होम आइसोलेशन में रहेंगे, बट सभी को जो समुचित उपचार है वो चाहे दवाओं संबंधी हो या बेड संबंधी हो वो मिलना चाहिए। एक दिन का संडे को साप्ताहिक बंद की निर्देश है, जिसमें कि प्रयास ये रहेगा कि सारे बाजार जब बंद होंगे तो साप्ताहिक बंदी व्यवहार के दिन संडे के दिन हम सफाई अच्छे से कर पाएंगे और उसका प्रयास है। कोई लॉकडाउन का ऐसा अभी निर्देश नहीं है। मैं आपके माध्यम से कहना ये चाहता हूँ कि यदि हम अपना मास्क ठीक तरीके से लगाएं और घर से बाहर तभी निकले जब निकलने की आवश्यकता है, तो हमें इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़नी चाहिए और हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम वर्तमान चीज़ों में अपने कर्तव्यों का ध्यान रखते हुए उनका पालन करें और सुनिश्चित हो कि संक्रमण को हम रोकें, संक्रमण को हम रोक पाएं।